हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे, जिनमें आज हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की मतलब हिंदी की परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये प्रश्न आते हैं। अब पहला प्रश्न है इसमें, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कुसूल। तो जो यह पंक्ति कही है किसके द्वारा कही गई है, इस पंक्ति को किसने कहा है बताइए। तो इसका उत्तर है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई पंक्ति है यह। ये अक्सर परीक्षाओं में आती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। यह भी पंक्ति है, क्योंकि पंक्तियाँ भी बहुत सारी पूछी जाती हैं, चाहे यू टीजीटी की परीक्षा हो चाहे पीजीटी की परीक्षा हो। तो इसमें यही प्रश्न दिया है कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो यह पंक्ति गुप्त मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा कही गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है उनके कौन हवाल। कहने का मतलब है बकरी पत्ते खाती है, जिसकी मतलब काढ़ी खाल है, अगर मनुष्य ही बकरी को खाता है तो उसका क्या किया जा सकता है। यह पंक्ति किसने कही थी, किस साहित्यकार द्वारा इस पंक्ति को कहा गया है, तो यह हमारे संत काव्यधारा के प्रसिद्ध प्रमुख कवि कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है, जो कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा में, जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है भक्ति काल के इतिहास में, संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं ये। कौन, कबीरदास जी। तो इन्हीं के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे यह पंक्ति किसके माध्यम से कही गई है, मतलब किस साहित्यकार ने इस पंक्ति को कहा है। तो ये कही है तुलसीदास जी ने, जो कि राम भक्ति काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं, भक्ति काल के इतिहास में ही आते हैं ये, लेकिन राम भक्ति काव्यधारा में यही प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये का इनकी क्या है रचनाएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है प्रश्न, कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस साहित्यकार ने कही है। तो इस पंक्ति के कहने वाले कौन हैं, मलुकदास जी द्वारा, मलुकदास जी ने इस पंक्ति को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यह भी पंक्ति है। एक पंक्ति किसके, किसने इसको कहा है, मतलब इस पंक्ति के कहने वाले कौन हैं बताइए। इस पंक्ति के कहने वाले कौन हैं, तुलसीदास जी, जो कि राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने राम के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। तो यह पंक्ति किसने कही है, किस के द्वारा कही गई है, ये पंक्ति कही है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। ठीक है, बड़ी अच्छी पंक्ति है, क्योंकि पंक्तियाँ ही भी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। अति का भला न बोलना अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। मतलब इसमें किसी भी काम की अति के बारे में बताया है,
कि मतलब जो भी कार्य अत्यधिक रूप से किया जाता है वह एक तरीके से विनाशकारी ही साबित होता है। यह पंक्ति किसने कही? ये इस पंक्ति के कहने वाले हैं कबीरदास जी। इस पंक्ति को किसने कहा है? कबीरदास जी ने इस पंक्ति को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोसम कौन कुटिल खल कामी। तो यह भी एक पंक्ति है। इस पंक्ति को किसने कहा है? यह भी तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। ठीक है, अब है, मैं कण कण में घोल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ। इस पंक्ति को किसने कहा है? यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी के द्वारा कही गई। नेक्स्ट प्रश्न है, खल की प्रीति जत थिर नाही, खल की प्रीति जत थिर नाही। इस पंक्ति को कहने वाले कौन हैं? यह भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो अभी फिलहाल ज़्यादा जो पंक्ति आ रही हैं हमारे सामने तुलसीदास जी द्वारा रचित आ रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार हैं गुप्त, अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो किस प्रकार है, नर की और नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हैं चले ते तो ऊंचे हुए। इस पंक्ति को कहने वाले कौन हैं? तो इस पंक्ति को कहने वाले हैं बिहारी। ठीक है, कवि बिहारी हैं ये, उन्होंने इस पंक्ति को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीये हला हल मद भरे, संत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेहि चितवन एक बार। तो इस पंक्ति को किसने कहा है, मतलब यह पंक्ति किसने लिखी है? यह भी बिहारी दास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न, पीर सबन की एक सी, मूर्ख जानत नाए, काटा चुभे पीर है, गला काटी को खाए। तो इस पंक्ति यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई? ये काफ़ी अच्छी पंक्ति है, ये मलुकदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्या बकरी क्या गाय है, क्या आपन अपने जाया, सबको लहू एक है साहिब फरमाया, पीर पैगंबर ओलिया सब मरने आया, नाहक जीवन ने मारिए पोषण को काया। तो यह भी पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? यह पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा कही गई है। कबीरदास जी ने इस पंक्ति को लिखा है, मतलब उनकी रचनाओं में से ये पंक्ति मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खड़ो है कौन, सो मोसो कौन खोटो। इस पंक्ति को कहने वाले कौन हैं? तो तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है यह पंक्ति। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? पंत, अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इसमें एक अलंकार भी, हमारा अलंकार कौन सा होगा? जैसे बेर, बेर एक का मतलब क्या है? फल। एक का मतलब हमारा क्या है? फल, और एक का मतलब है समय। तो जब दो शब्द एक जैसे आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार भी है, अक्सर यमक अलंकार के लिए इस पंक्ति को पूछ लिया जाता है। लेकिन यह पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? ये पंक्ति कही गई है भूषण जी के द्वारा, हमारे महाकवि जो भूषण जी हैं उनके द्वारा इस पंक्ति को कहा गया है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मतलब जो डॉगे होते हैं उनको तो कपड़े और वस्त्र, सॉरी वस्त्र दिए जाते हैं और दूध दिया जाता है।
लेकिन जो भूखे बच्चे होते हैं वे परेशान रहते हैं। इस पंक्ति को किसने कहा है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। ठीक है, तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके अवश्य बताइएगा।